हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ 3 नए प्रोडक्ट्स जो मैंने परचेज किए नायका के स्टोर से। तो मैं उनको रिव्यू करूँगी, उनको अप्लाई करूँगी अपने फेस पर और आपको दिखाऊँगी कि हाउ दे लुक। सो द वेरी फर्स्ट प्रोडक्ट इज दिस प्रोडक्ट बाय नायका, इंस्टा ब्लर कलर करेक्टर। सो आई हैव बॉट एन ऑरेंज कलर करेक्टर फॉर माई डीप डार्क सर्कल्स एंड दीज पैचेस ऑन माई फेस। The second thing that I bought was a contour and conqueror by Nykaa once again. This has a contour palette as well. The dark color is contour, this one, and this is the highlighter. Although I have a highlighter of MAC, but theek hai, I'm not complaining. And the third thing that I bought from the Nykaa store itself is this one, Daydreaming Nykaa Eyeshadow Palette. So they have two options in this one in the store. One was completely based on the orange tone, and this one which I bought is based on the pink tone. As you can see, all different shades of pink are there in this palette. I didn't have this one, and so I bought this one. अब मैं अप्लाई करने वाली हूँ ये ऑरेंज कलर। अब मैं अप्लाई करूंगी ऑरेंज कलर का कलर करेक्टर अपने डार्क सर्कल्स पर। सो दिस इज द वे यू अप्लाई इट। ऑब्वियसली ऐसे करके आप कवर करते हो। पुट इट हियर, जहां पे भी आपको कवरेज चाहिए आप इसको लगा सकते हो। Now I'm going to blend this corrector with this beauty blender, and this is how you blend it. आप ब्रश भी यूज कर सकते हो ब्लेंड करने के लिए, बट आई प्रेफर यूजिंग द ब्यूटी ब्लेंडर बिकॉज ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है एंड इट अब्सॉर्ब्स ऑल द एक्स्ट्रा प्रोडक्ट फ्रॉम योर स्किन। सो यू डोंट यूज और हैव एनी अननेसेसरी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट लेफ्ट ऑन योर। राइट नाउ ऐसा ही दिखेगा चेहरा, थोड़ा पैची ऑरेंज पैचेस ऑन द फेस, बट इट विल सेटल डाउन आफ्टर यू अप्लाई द कंसीलर। एंड आफ्टर द कंसीलर व्हेन यू अप्लाई द फाउंडेशन तब पूरा सेट हो जाता है फेस। सी, ब्लेंड कर लिया है मैंने। एंड नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज द कंसीलर। सो इस कलर करेक्टर के बारे में एक चीज मैं आपको बता दूं कि कलर करेक्टर होने के साथ साथ यू कैन सी दैट दिस हैज अ वाइट डॉट काइंड ऑफ थिंग इन द मिडल। दिस वाइट डॉट इज नथिंग बट पोमेग्रेनेट सीड ऑयल एंड कमेलिया एक्सट्रैक्ट न्यूट्रिशन बुलेट विच विल नॉट ओनली करेक्ट योर कलर ऑन द स्किन बट ऑल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिशन। सो मेकअप के साथ आपको न्यूट्रिशन भी मिल रहा है। सो आप देख सकते हो कि मैंने कलर करेक्टर लगाकर आई ऑल्सो अप्लाइड माई कंसीलर आफ्टर मैंने फाउंडेशन में। सो आप देख सकते हो कि कलर करेक्टर लगाने के बाद मैंने कंसीलर लगाया, आफ्टर पुटिंग द कंसीलर मैंने स्ट्रोक क्रीम एंड फाउंडेशन मिक्स करके अपने फेस पे लगा लिया। सो माई बेस इज ऑलमोस्ट रेडी। नाउ दिस इज द कॉन्टूअर दैट आई एम गोइंग टू डू ऑन माई फेस and I'll show it to you how it is done. So this is the contour brush और ये है color जिससे मैं contour करूंगी। So just take it on the brush like this and मेरे को ये region को अपने contour करना है। So doing the contouring part,
आप ऐसे लेकर और कहाँ जहाँ जहाँ पे भी यू थिंक दैट यू नीड टू कॉन्टूर यू कैन डू इट. फोरहेड पे थोड़ा मुझे लगता है दैट आई नीड कॉन्टूरिंग एंड दैट्स व्हाई आई एम अप्लाइंग इट ऑन माय फोरहेड एज वेल. दिस इज इट हाउ इट इज डन. थोड़ा नाक पे करते हैं. सो दिस इज इट हाउ वी डू ऑन बोथ साइड्स ऑफ द नोज लाइक दिस नाक एंड बीच में आप हाइलाइटर लेके हाईलाइट कर सकते हो अपने नोज को. अब मैं अपने नोज को हाईलाइट करूंगी. सो दिस इज द फैन ब्रश एंड आई एम टेकिंग द हाइलाइटर लाइक दिस. How I have highlighted my nose. So मैंने आपको color corrector लगा कर दिखाया. I also showed you the contour and the highlighter thing. Now I am going to apply this eyeshadow on my eyelids and show you that as well how the pigment is. Well, pigment अच्छा है इसका इसलिए मैंने इसे खरीदा है. And let's start applying it now. So now I'm taking this shade and I'm going to apply it on my eyelids. इसका पिगमेंट अच्छा है गाइस एंड दैट्स व्हाई आई वांट इट. आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं कैमरे में. लेट मी कम क्लोजर. अभी पिंक पे ही शेड्स लगाए हैं. अब यू कैन सी दिस इज द शेड. आई टेक दिस लाइट पिंक एंड मिक्स इट अ लाइटर पिंक एंड अप्लाई ओवर हियर. आई एम अगेन टेकिंग द लाइट पिंक एंड विद द लाइटर पिंक टुगेदर and I will be applying it over here. Sitting in the AC gives you this sneezing condition as you can see. And ये है मेरा आई शैडो का मेकअप. अगर मैं चाहूँ तो मैं थोड़ा डार्क शेड लेकर थोड़ा सा यहाँ पे आई कैन डू दिस एंड देन आई स्मज इट लाइक दिस. यू सी हाउ इट लुक्स लाइट एंड डार्क. इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं. आई थिंक इधर थोड़ा सा और डार्क करना पड़ेगा. दिस
दिस इज इट. कैन यू सी? तो आप देख सकते हैं कि मेरा मेकअप कंप्लीट हो गया है. दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ द मेकअप दैट आई हैव डन फ्रॉम द नायका प्रोडक्ट्स.